ओम नमः शिवाय। बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज श्रावण सोमवार के दिन मैं आपको श्रावण सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, श्रावण मास में जितने भी सोमवार आए, उन सोमवारों को सभी मनुष्यों को व्रत अवश्य करना चाहिए। खासकर जो मनुष्य भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से चाहते हैं कि वे उनकी मनोकामना पूरी करें, तो वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में सोमवार के व्रत अवश्य करें, क्योंकि श्रावण सोमवार के व्रत करने वाले मनुष्य की भगवान शिव हर मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। लोग बहुत उत्सुकता से श्रावण मास का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, सावन मास में व्रत करने वाले पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, कोशिश पूरी करें कि श्रावण सोमवार के व्रत करने वाले मनुष्य बिना नमक के ही भोजन करें, और यदि हो सके तो फलाहार ही करें। बंधुओं, यदि किसी से फलाहार के ऊपर रहकर व्रत नहीं किया जाता, तब वे बिना नमक का भोजन ग्रहण करें, और यदि बिना नमक के भी नहीं रहा जाता तो वे नमक खाकर एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। बंधुओं, जैसे भी आपका शरीर आपको इजाजत दे, उसी प्रकार व्रत करें। बंधुओं, व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करनी है। शिवालय में जाकर भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, और साथ ही फूल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, फल और दक्षिणा, साथ ही अखंडित चावल भगवान को अर्पित करें, और भगवान को पंचामृत भी अवश्य चढ़ाएं। पूजा करने के बाद भगवान शिव की कथा सुनें या कहें, और फिर आरती करें। बंधुओं, आरती कपूर के साथ करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत और शोहरत थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसके कोई संतान ना थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों सच्चे शिव भगत थे। दोनों ही शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्प आयु होगा और 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी ना हुई। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो वह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया, और वह उनके आग्रह को मना ना कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई,
लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्ते चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घ आयु होने का वरदान प्रदान किया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी के घर पहुंचा। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, यही मेरे पति हैं जिनके साथ उस रात मेरी शादी हुई थी। उसके पिता ने राजकुमारी को अमर के साथ विदा किया और अमर, उसके मामा जी और राजकुमारी तीनों अपने घर वापस लौट आए। जब अमर के माता पिता ने उसे जीवित देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। सो बंधुओं, ये है श्रावण के सोमवार व्रतों की महिमा। जैसे कि अमर की आयु सिर्फ 12 साल थी और उसके माँ बाप के द्वारा श्रावण सोमवार के व्रत किए जाने पर भगवान शिव ने अमर को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।